और नाजरीन, सूरज की तपिश कम होते ही फैसलाबाद के शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया है, जहां छोटे बच्चे अपने जमाशुदा ईदी खर्च करने और झूला झूलने में मसरूफ हैं। जी, ये तनवीर से सवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। तनवीर, बताइएगा फैसलाबाद में बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी ईदी को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज तो रिकॉर्ड टूट चुका है पहले दो दिन का, इतना रश पड़ गया है फैसलाबाद के पार्क्स में। यहाँ पे छोटे बच्चे, बड़े जवान हर तरह से एंजॉय कर रहे हैं। एक छोटी सी बिटिया भी मेरे साथ है। बेटे, कैसी ईद गुजर रही है? अच्छी। ईदी कितनी मिली थी आपको? 1000। सारी खर्च ली या बच गई कुछ? बच गई है। बच गई है, उसका क्या करोगी? चील। कुछ बचा ली है, कुछ खर्च कर ली है, कुछ लुटा दिया है, कुछ संभाल लिया है। ईद का ये जो तीसरा रोज है, इसमें पार्क्स के अंदर रिकॉर्ड रश है। फैसलाबाद के कोरोना के बाद आने वाली ये पहली ईद जो है, इसने बच्चों, जवानों को, सबको खुश कर दिया है झूले जो हैं उस पर बच्चे झूला झूल रहे हैं, बड़े भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ा हेल्दी रश और एक बड़ा हेल्दी माहौल जो है सब फैसलाबाद में ईद का देखने को मिल रहा है। जी अच्छा, तनवीर बताइएगा, इस वक्त जो फैसलाबाद के बच्चे हैं उनकी एंजॉय हो रही है पार्क में, अपने ईदी को खर्च कर रहे हैं, तो जो बड़े हैं वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं? आज ही बड़े भी बिल्कुल मेरे साथ खड़े, इनसे भी पूछ लेते हैं। ये देखें, ये बच्चा मेरे साथ मौजूद है। क्या किया आज ईदी का भैया आपने? बहुत इन्वाय किया, और फ्रेंड्स के साथ इन्वाय किया, फैमिली के साथ। अपनी कोरोना के बाद आप इतने संजीदा क्यों हो गए? मतलब क्या, कहाँ पैसे खर्च कर दिए? नहीं, पैसे वो दोस्तों के साथ ही सारे लग गए। सारे नहीं, अभी पड़े हैं, अभी पड़े हैं और वो लग जाएंगे। ये किससे लिए थे पैसे? ये ईदी मिलती है पापा से। पापा की जेब पूरी तरह से आपने काटी है। कहेंगे किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं ईद को? बहुत है, और अब उसको खर्च करने का सिलसिला जारी है। जी तनवीर, आपने अपडेट किया फैसलाबाद से, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।